तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे यार अभी ये नहीं, ये लास्ट वाला टॉपिक है, ये लास्ट में बोलना है सागर। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पेपर 5 जो कि सेमेस्टर 3 का है, कोलहान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो कोलहान यूनिवर्सिटी चाईबासा मेजर पेपर पहले 4 करेंगे, ठीक है। और मेजर पेपर 4 है हमारा, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीसी है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा। ठीक है, सॉरी क्या होता है यार, हाँ बिफोर क्राइस्ट ईसा, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी तक का इतिहास इसमें आपको जानना है। इसमें आपका मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, संगम काल, इन सब के बारे में जानना है। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, अब बोलिएगा भाई फिर मेजर पेपर यहाँ पे 5 का लिखे हैं, अरे यार गलती से लिखा गया। ठीक है, तो ये मेजर पेपर 4 है आपका, मेजर पेपर 4 का देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाद में मैं इसको सुधार दूंगा, मेजर पेपर 4 कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मैं आपके कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओनली यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, सॉरी 6 क्वेश्चन, और 6 वो आपका मैच करेगा एग्जाम में, पक्का पक्का मैच करेगा। ठीक है, तो उतना ही मैं कराता हूँ जितना आपको ज़रूरत है, बाकी इतना ही पढ़ लीजिए ना, काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, तो 1 मार्क्स वाला 5 आएगा, 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे, ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का, एंड ग्रुप बी आएगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें आपके 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना होगा। ठीक है, 6 को आएगा, 4 को आंसर करना होगा। तो ये सब मैं आपको 15 मार्क्स वाला दूंगा, और 1 मार्क्स वाले जितने भी हैं जो मैं बताऊंगा उसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ तथा पतन के कारणों को भी लिखना है। ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य कैसे बना, क्या प्रोसेस था, किसने कितना मेहनत किया, किसका योगदान रहा बड़ा, ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा, तो आपको पता चलेगा कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और धनानंद के बीच में युद्ध हुआ था, नंदवंश का समाप्त कर, नंदवंश के अंतिम सम्राट धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि हाउ डिड द मौर्य एम्पायर राइज एंड ऑल्सो राइट द रीजन फॉर इट्स फॉल। ठीक है, फॉल मतलब कैसे समाप्त हो गया फिर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य में अशोक की भूमिका क्या थी और मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक का विकास किस प्रकार हुआ था, ये भी बताना है। देखिए मौर्य साम्राज्य में जब भी बात होती है ना, तो सम्राट अशोक बहुत फेमस राजा, अभी तक के इतिहास में सबसे प्रतापी राजा, इसीलिए अशोक स्तंभ को भारत का चिन्ह भी रखा गया है। ठीक है, भारत का जो चिन्ह है अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो इसीलिए रखा गया है क्योंकि अशोक जो है भारतीय इतिहास में सबसे प्रतापी राजा थे, और इसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। तो इनकी क्या भूमिका थी ये आपको बताना है, और राजनीति का इन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया ये बताना है। फिर मौर्य साम्राज्य ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, मालूम है ना, अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध है, 2 लाख आदमी मरा था कलिंग के युद्ध में उस ज़माने में। ठीक है, कलिंग मतलब उड़ीसा। ठीक है, और अशोक की जो मतलब क्या बोलते हैं उनकी प्रेमिका थी वो भी कलिंग से ही थी, और इसी कारण युद्ध भी हुआ था उसके बाप से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। देखिए मौर्य साम्राज्य जब था उस टाइम पे राजनीतिक कैसा था, ठीक है, आर्थिक यानी कि लोग क्या व्यापार करते थे, खेती वगैरह क्या चलता था वो बताना है, कहाँ से व्यापार होता था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की क्या भूमिका थी। ठीक है, प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लोगों को क्या तकलीफें थी, कितना कर टैक्स वगैरह देते थे, ठीक है, लोगों को दुख तो नहीं था, ये सब आपको बताना है इसमें क्या था उस टाइम पे, और बता भी देना है कि वर्तमान समय में क्या हालत हो गया है। ठीक है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे 4, तो इसमें हमारा संगम युग से क्या तात्पर्य है, संगम युगीन साहित्य, सामाजिक और कला का वर्णन करें। चलिए, तो कल लिखा गया यार, सॉरी कला होगा यहाँ पे। ठीक है,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि संगम युग मतलब तमिल साहित्य में जिस समय का तमिल साहित्य का युग था उसी को संगम युग कहा जाता था। ठीक है, तमिल साहित्य में जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको संगम युग कहा जाता था। उस समय में समाज कैसा था और उसका साहित्य कैसा था, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है यार, क्या घुस गया आँख में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हमारा गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ तथा पतन के कारणों को भी लिखें। अरे यार कितना मैं टाइपिंग मिस्टेक करता हूँ, यहाँ पे कर्म लिख गया, कारण होगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ तथा पतन के कारणों को भी लिखना है। ठीक है, हाउ डिड द गुप्त एम्पायर राइज एंड ऑल्सो राइट अबाउट इट्स डाउनफॉल। ठीक है, तो कैसे गुप्त साम्राज्य बना, श्रीगुप्त ने किस प्रकार स्थापना किया, ठीक है, किसको मार कर किया, ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है गुप्त साम्राज्य के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये चीज़ बताना है। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य दोनों का सेम टाइप से होगा, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज आएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा जो आपका मेजर पेपर 4 है, ठीक है, इसमें आपको बस ये 6 वंश के बारे में जानना है। ये 6 वंश कौन कौन सा है, तो सातवाहन वंश, ठीक है, शुंग वंश, कुषाण वंश, संगम वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। ये 6 वंशों के बारे में आप जान लीजिए, और संगम वंश नहीं होगा, संगम युग होगा। ठीक है, संगम वंश नहीं था, वंश भी बोल सकते हैं, पांडवों ने इसकी स्थापना किया था। अब देखते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं आपको मुंह जबानी, ठीक है, मौखिक रूप से आपको याद दिला दूंगा ओरल। तो चलिए देखते हैं, सातवाहन वंश, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, क्या किया स्थापना। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना क्या है, सिमुक ने, इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था, प्रतापी राजा। अरे भाई लाइन कट गया यार, एक मिनट रुको भाई, लाइट वा चल रही ऑन भाई जो यार। चलिए क्वेश्चन हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया और सबसे महान राजा, दो ही चीज़ पूछा जाता है जनरली कि उसकी स्थापना किसने किया और उसका सबसे महान राजा कौन था इस वंश का। ठीक है, तो सबसे महान जो राजा था सातवाहन का वह था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र था, सातवाहनों की एक खासियत थी कि ये अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लिखा करते थे। ठीक है, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इनका नाम था राजा का, श्री सात लिख दीजिएगा यार, सातकर्णी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत होता है। तो सातवाहन वंश का सबसे महान राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस वंश ने अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखना शुरू किया, तो सातवाहन वंश ने। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो कुजुल कडफिसस एक राजा था, कुजुल कडफिसस। ठीक है, लिख लीजिएगा कुजुल कडफिसस। तो कुजुल कडफिसस ने शुंग वंश की स्थापना की। और अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि शुंग वंश का सबसे महान राजा कौन था, ग्रेटेस्ट। ठीक है, महान जब भी बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध जीता हो, बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य को दूर तक फैला दिया हो। ठीक है, तो शुंग वंश का सबसे महान राजा था कनिष्क। जितना भी महान है ना उन सब का आपने नाम सुना होगा, कनिष्क। ठीक है, एक मिनट, ऐसा होगा कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क जो है इसका सबसे महान राजा था, और कनिष्क के राज दरबारी कौन थे मालूम है ना, चरक, महर्षि चरक। अगला है हमारा यहाँ पे कुषाण वंश के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया है, तो इसका एक ही क्वेश्चन आता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो एक मिनट यार मैंने गलत बता दिया, जो कुषाण वंश था ना इसकी स्थापना आपका कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने किया है। ठीक है, जो कुजुल कडफिसस था कुषाण वंश की स्थापना की, और कनिष्क भी कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है, सॉरी, क्योंकि शुंग वंश जब भी आता है तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना किया, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है,
सुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्य मित्र सुंग, ठीक है। और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस और सबसे महान राजा कनिष्क। संगम वंश की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन आता है तो पांडवों ने किया, ठीक है। दक्षिण भारत में पांडवों ने तमिलनाडु के आसपास, क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है, तो तमिल साहित्य से है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो सबसे महान राजा था समुद्रगुप्त, ठीक है। कौन? समुद्रगुप्त। और पूछ लेता कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया है, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना सबको जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम राजा थे। बोलिएगा इससे पहले जितना भी राजा था वो तो उस टाइम पे भारत नहीं बना था, भारत को बनाया था यही चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का सप्ताह था कि समस्त आर्यावत एक हो, ठीक है, पूरा भारत एक हो, तो चाणक्य नहीं बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा थे मौर्य वंश के और भारत के भी प्रथम राजा थे, ठीक है। सबसे महान राजा कौन था मौर्य वंश का? तो अशोक, अशोक जो है ना सबसे महान राजा था मौर्य वंश का। अशोक देखिए इसका हायरार्की कैसा है, सबसे पहले इसका राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदु मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सार, बिंदुसार इसका बेटा हुआ। बिंदुसार एक नॉर्मल राजा था, ठीक है, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, सम्राट अशोक। और अशोक का बेटा होता है महेंद्र, महेंद्र संगमित्रा बेटी होती है। और उन लोग मतलब अशोक ने तो बोल दिया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद और बोल दिया था कि कोई भी आज से युद्ध नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जीवन का सार है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो बस ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इतना कर लीजिए, इन सभी का आंसर आप अपना या तो गेस्ट पेपर या फिर गूगल से सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है। मेजर पेपर 4 हो गया, कल मैं आपको मेजर पेपर 5 करवा दूंगा, उसके बाद MDC और SEC और जितना है सब करवा दूंगा यार, माइनर SEC, ठीक है, AEC। ओके बाय, जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।